तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हम लोगों को आज का क्लास में एक डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ये सीख लिया था कि डिसोल्यूशन में जनरेटी कैसे पास करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करने वाला, ये सब बता दिया था हम लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में यदि होगा तुम लोग को हम यहाँ तक बता दिया था कि तुम्हारा जो लास्ट में हम लोग ये बताया था ना, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, ये बताया था कि पार्टनर मतलब जो लास्ट में बताया था कि पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है, जो भी पार्टनर कैपिटल लेके आया होगा उस कैपिटल के बिहाफ में उसको पेमेंट कैसे करना है। तो कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, अगर उसका पेमेंट करेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, और उसको पैसा पेमेंट किया मतलब पार्टनर कैपिटल बींग पार्टनर कैपिटल पेड, ये लास्ट क्लास में बताया था। तो आज का क्लास हम लोग का एक इसका रिगार्डिंग क्या करेगा, प्रैक्टिकल करेगा हम लोग, जिससे कि हम लोग का ये डिसोल्यूशन में थोड़ा थोड़ा पकड़ बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बैलेंस शीट देके रखा हुआ कब का, 31 मार्च 2022 का देके रखा हुआ, 31 मार्च 2022 का, जहां पे ए का कैपिटल है 50, बी का कैपिटल है 40, ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 40,000, रिजर्व कितना है तुम्हारा 10,000, क्रेडिटर है 20,000, केस ए का वाइफ मतलब ए का जो वाइफ है ना उससे लोन कितना लिया था बिजनेस 5,000, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 50, मशीनरी है 20, डेटर है हमारा 31, प्रोविजन कितना माइनस हुआ है 1,000, फिर से तुम्हारा स्टॉक कितना है 15, बैंक कितना है और ये कितना है, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर नीचे में लिखा हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व ऑन अबव डेट, इस डेट में पार्टनरशिप फॉर्म क्या हुआ है, डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, बताया था ना जिस, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितना में रियलाइज हुआ है 45,000, मशीनरी कितना में हुआ है एट बुक वैल्यू, कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है, डेटर रियलाइज कितना में हुआ है 28,000 में, स्टॉक 10% लेस देन बुक वैल्यू, क्रेडिटर को पेड किया, क्रेडिटर को पेड करने के टाइम में कितना मिला 2% का डिस्काउंट, ठीक है, पास द जनरल एंट्री, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझ में आया बात, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा दे के रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जिस दिन देखो इसी डेट में जिस दिन बैलेंस शीट का डेट है उसी दिन में क्या हुआ, क्या हो रहा है, फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, और एक ऐसा भी केस होगा कि बैलेंस शीट अलग डेट का होगा और फॉर्म डिसॉल्व अलग डेट होगा, लेकिन अभी जिस डेट का दिया हो उसी डेट में क्या हो रहा है, बैलेंस शीट हो रहा है, ठीक है, मतलब जिस डेट में डिसॉल्व हो रहा है कंपनी बंद हो रहा है उसी दिन तक का बैलेंस शीट देख के रखा हुआ है, तो टेंशन लेने का कोई नहीं है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम तुम लोग को बताया था ना कि सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या करना होता है, याद करो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करना होगा, एसेट को बुक से गायब करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज को बुक से गायब करना पड़ेगा, फिर हम लोग जो मेन लाइबिलिटी होता है, क्या सा लाइबिलिटी, रियल लाइबिलिटी, रियल लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, ठीक है, उसका बाद क्या पार्टनर्स का लोन होगा तो उसका पेमेंट करेगा, फिर क्या करेगा लास्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करेगा, बात खत्म, हम लोग का आंसर सही बन जाएगा, अगर हम जितना पे किया है ठीक है उतना मेरे पास है तो आंसर सही है, देखना कैसे क्या होने वाला है। अभी आज के इस क्लास में तुम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या चलता है, ठीक है। सबसे पहले एसेट को बंद करें, तो एसेट कौन कौन सा एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, बैंक है, ठीक है, एंड क्या है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले बंद करें, सबसे पहले बात ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद नहीं होगा, ठीक है, कौन कौन सा बंद होगा, सिर्फ एसेट्स बंद करेगा, क्या करेगा सबसे पहले एसेट्स बंद, तो एसेट्स को बंद करो, तो एसेट्स होता है डेबिट, बंद करेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा लैंड एंड एसेट्स को बुक से हटाएगा तो तुमको क्या होगा लॉस होगा ही नहीं होगा, एसेट को बुक से हटाएगा तो क्या होगा लॉस, एसेट तुम्हारे पास से चला गया मतलब तुम्हारा बुक्स में शो नहीं कर रहा है, तुम दे दिया ऐसे ही एसेट दे दिया, ठीक है, हटा दिया बुक से, क्या कर दिया हटा दिया, तो तुमको क्या हुआ लॉस, लॉस होने से रियलाइजेशन क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लैंड कितना का तुम्हारा लैंड कितना का है 50, फिर क्या है तुम्हारा मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट कितना है तुम्हारा कितना 20, नेक्स्ट फिर क्या तुम्हारा डेटर, क्या तुम्हारा डेटर अकाउंट, डेटर कितना तुम्हारा 31,
वन है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा प्रोविजन, ये क्या है, तुम्हारा लाइबिलिटीज होता ही नहीं होता है, इसको लाइबिलिटीज में लिखेगा, यहाँ लिखने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड कितना होगा तुम्हारा, अभी एसेट्स को बुक से गायब करना, अभी लैंड एंड बिल्डिंग भाई ये बात का बात है, जो रियलाइज बेचेगा, रियलाइज का मतलब बेचेगा तो काम होगा उस टाइम में, मतलब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज है, रियलाइज का मतलब बेचा इतना में, इतना का लैंड एंड बिल्डिंग का 50 का, उसको बेचा कितना में है 48, बेच रियलाइज मतलब बेचा है, क्या है बेचा है, अभी ये काम नहीं होगा। पहले सबसे पहले रूल, बुक से एसेट को गायब करो, हटाओ, तो हो गया तुम्हारा डेटर भी हट गया। फिर क्या तुम्हारा स्टॉक, क्या है तुम्हारा स्टॉक कितना है 15, कितना तुम्हारा 15, सबको जोड़ेगा तो कितना होगा 70 30, कितना होगा 1,16,000, कितना तुम्हारा 1,16,000, कितना तुम्हारा 1,16,000। फिर नोटेशन लिखना पड़ेगा बीइंग एसेट्स ट्रांसफर लिख देना, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो गया, समझ में आया। ये तुम्हारा एंट्री नंबर क्या होगा, तुम्हारा 1 होगा, क्या होगा तुम्हारा एंट्री नंबर 1। अब नेक्स्ट हमको करना पड़ेगा एंट्री नंबर 2, अब करें हटाएगा किसको, एसेट हट गया, देखो बैंक इसलिए नहीं हटेगा, बैंक खुद में एक रियलाइज वैल्यू पता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्या करते हैं लॉस है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट बाद में करना, अभी नहीं करना, पहले एसेट और लाइबिलिटीज घटा। अब लाइबिलिटीज खोजो, लाइबिलिटीज एक क्रेडिटर है, क्या है तुम्हारा क्रेडिटर है, एक ए का वाइफ भी, देखो ए पार्टनर है, ए का वाइफ, क्या बिजनेस का कोई पार्टनर वार्टनर है क्या, क्या ए का वाइफ बिजनेस का कोई पार्टनर है क्या, ये तो कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, कोई पार्टनर है क्या, ये तो कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है। देखो जो ए का वाइफ था, देखो ए बिजनेस का पार्टनर है, ए क्या है तुम्हारा बिजनेस का पार्टनर है, लेकिन ए का वाइफ क्या बिजनेस का पार्टनर है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक लाइबिलिटीज है, क्या है तुम्हारा टू लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, समझ में आया ना बात, ये समझ रहा ना, ठीक है, ये रियल लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का रूल है लाइबिलिटी को बुक से हटाओ, पेमेंट करने का बात तो बाद में आएगा, पहले लाइबिलिटी को बुक से हटाओ, तो क्रेडिटर जाएगा और ये दोनों क्रेडिट होता है, जाएगा तो क्या हो जाएगा खत्म होगा तो डेबिट, तो क्या होगा तुम्हारा क्रेडिटर अकाउंट कितना क्रेडिटर 20,000, ओके। फिर हिज वाइफ लोन अकाउंट कितना है भाई 5,000, फिर एक और था ना प्रोविजन, ये भी लाइबिलिटी है ना, प्रोविजन फॉर डीडी कितना है 1,000, और कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू, अब देखो लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया, लाइबिलिटी का पेमेंट, लाइबिलिटी को तो पे करना पड़ता ना, हम लाइबिलिटी को पे नहीं किया, बुक से हटा दिया, फायदा हुआ नहीं हुआ, हाँ किसी चीज का पेमेंट नहीं किया, बुक से साइड कर दिया, फायदा हुआ नहीं नुकसान हुआ, फायदा हुआ तो टू, फायदा क्रेडिट हो गया ना टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखना कितना हो गया 26,000 बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर विंग, तुम्हारा लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, लड़की लोगों को नहीं है, ये तो हो गया हम लोग को हो गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब बुक से दोनों हटा दिया अब क्या होगा पेमेंट रियलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एसेट को रियलाइज करना पड़ेगा, मतलब एसेट को बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेचेगा, ठीक है। तो एसेट को बेचेगा मतलब बेचने से क्या होगा, अभी थोड़ा बताओ थोड़ा, बुक्स में क्या एसेट शो कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम क्या एसेट को शो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि एसेट तो बुक से हट गया है, थोड़ा बुक्स में जो चीज नहीं है वो चीज को तुम बेच रहा है, तो तुमको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, फायदा मतलब क्रेडिट, पैसा आएगा, फायदा होने से क्या होगा पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे दीदी हाथ मत रखो गाल पे, कितने क्या का टेंशन है, क्या का टेंशन है, देखिए क्या गाल में हाथ रखता है, लगता है बहुत बड़ा टेंशन हो गया तुमको। नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 तो जो चीज तुम्हारा पास नहीं है उस चीज का बदले तुमको पैसा मिल रहा है, जो चीज तुम्हारा पास नहीं है वो चीज का बिहार में तुमको पैसा मिल रहा है, तो तुमको फायदा होगा और पैसा मिल रहा है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
गलती लिखा क्या? हाँ ठीक ही लिखा था क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में बात। अब इसमें फिगर निकालना होगा, पैसा निकालना पड़ेगा ना, तो निकालने का तरीका समझ लेना। यहाँ पे बताता है, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एसेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना का एसेट बेच रहे हैं। सबसे पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना में रियलाइज हो रहा है, तो 45 में रियलाइज होगा, मतलब 45 तुमको मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत? मशीनरी एट बुक वैल्यू, मशीनरी कितना का था? 20 का, मतलब पूरा 20 का 20 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर कितना में रियलाइज हो रहा है? 28। ओके, फिर स्टॉक 10% लेस देन बुक वैल्यू, स्टॉक कितना है? 15 है, कितना है तुम्हारा? 15 है, तो इसका 10% निकालेगा तो कितना होगा? 1500, तो 15 में से 1500 किया तो कितना होगा? 1300, 13000। ये ऐसा रियलाइज होगा, काउंट करो कितना होगा तुम्हारा, फटाफट काउंट करो कितना होगा तुम्हारा, 45000, फिर नेक्स्ट हम फटाफट कर लेते हैं 20000, 28000 एंड 13000, तो कितना होगा? 1065500 ना, 1065500, 1065500, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, कितना होगा तुम्हारा? 1065500 बीइंग एसेट रियलाइज्ड, बीइंग एसेट। कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग एसेट रियलाइज्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब एसेट का कहानी तो खत्म कर दिया तुम लोग, अब किसका कहानी खत्म करेगा? लाइबिलिटीज का, मतलब रियल लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रियल लाइबिलिटी कौन है? क्रेडिटर है, ए का वाइफ, ए वाइफ लोन, लेकिन प्रोविजन कोई रियल लाइबिलिटी है? रियल लाइबिलिटी नहीं है, बस किसका पेमेंट होगा? इसका और इसका, तो पेमेंट करो, पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? तो क्रेडिटर तो बुक्स में है ही नहीं, उसका कुछ कोई चीज, कुछ चीज बुक में नहीं है, उसका पेमेंट कर रहा है, ठीक है, बुक्स में कुछ चीज नहीं है लेकिन फिर भी उसका पेमेंट कर रहा है, तो लॉस होगा और पैसा जाएगा। लॉस का नाम क्या? रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश, तो कितना पेमेंट करेगा ये भी देख लो, ये भी निकाल के यहाँ पे बता देता है, ठीक है। देखो अभी ये लाइबिलिटीज क्या है तुम्हारा, लाइबिलिटीज क्या है तुम्हारा, लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर है तुम्हारा, कितना कितना तुम्हारा क्रेडिटर का था? सबसे पहले एक वाइफ का लोन कितना है? 5000 है, और क्रेडिटर कितना है? 20000। क्रेडिटर कितना है तुम्हारा? 20000। अब याद, क्रेडिटर के नीचे में लिखा हुआ है ना, क्रेडिटर इज पे 2% डिस्काउंट, क्रेडिटर का 2% डिस्काउंट में पे कर रहा है, तो 20000 का क्रेडिटर कितना है? 20000 है, 20000 का कितना परसेंट? 2%, कितना होगा? 400, कितना होगा? 400 कम में पेमेंट करेगा, मतलब 19600, मतलब कितना होगा? 24600, कितना होगा तुम्हारा? 24600 इसका पेमेंट करना, 24600 बीइंग लाइबिलिटीज पेड, कोई दिक्कत है? देखो ना, बीइंग लाइबिलिटीज पेड, बीइंग क्या हो गया तुम्हारा? लाइबिलिटीज पेड, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग लाइबिलिटीज पेड, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 5, अब क्या करना पड़ेगा बताओ तो, तुम लोग उस दिन सिखाया था ना, नंबर 5 बताओ फटाफट, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, अभी निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस, मतलब रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये हमको अब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम निकालना एकदम इजी है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो हम क्या करके इसको हटा देते हैं, नहीं रे क्या चाहिए क्या तू, नहीं यहाँ बना दे, देखो यहाँ पे बना के दिखा देता है, ठीक है, सब चीज रहेगा तो नोट डाउन करने में अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा तुम लोग के लिए। तो सबसे पहले चाहिए हमको रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ ना लॉस, तो देखो ये लिखना रियलाइजेशन, क्या लिखना, क्या लिखना, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में दो चीज होगा, एक होगा डेबिट, तो एक होगा तुम्हारा क्रेडिट, ये वाला डेबिट, ये तुम्हारा क्या होगा? क्रेडिट। अब ढूंढो कि रियलाइजेशन कहाँ कहाँ डेबिट है, कहाँ कहाँ क्रेडिट है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन डेबिट है कितना से? 116000 से, तो 116000 हो गया। फिर खोजो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन खोजो, क्रेडिट हुआ ना कितना से? ये तुम्हारा क्या है? 26000 है ना, खोजो लगा डालो 26000, कितना हुआ तुम्हारा? 26000, ठीक है। उसके बाद और रियलाइजेशन खोज, क्रेडिट हुआ कितना से?
1065 00, मतलब रियलाइजेशन डेबिट का मतलब लॉस, क्रेडिट का मतलब फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर रियलाइजेशन ढूंढ, और कितना डेबिट, कितना 24600। अब दोनों को प्लस कर लो, क्या कर लो, दोनों को प्लस कर लो, कितना होगा, तो 26000 1065, तो कितना होगा, यह होगा, ये तो सही है, यहाँ में होगा 116, तो कितना होगा 14060। ज्यादा किस साइड है, डेबिट में ज्यादा है, डेबिट में क्या है ज्यादा है, और क्रेडिट में क्या है कम है, तो क्या निकलने वाला हम लोगों का लॉस, मतलब लॉस ज्यादा है, ठीक है। लॉस कितना ज्यादा है, 1325, कितना है लॉस ज्यादा, कितना है 8100, लॉस क्या है तुम्हारा 8100, क्या करेगा इसको हम लोग क्या करता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्या कोई रेशियो बोला था, नहीं बोला, मतलब ओल्ड रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल, मतलब 1:1। तो देखो लॉस होता है डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस होता है लॉस, क्या होता है बताओ, डेबिट, इसको बांटेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, फिनिश क्या तुम्हारा टू, क्या होगा तुम्हारा लॉस ऑन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, एक क्या होगा 40 50 40 50, यहाँ में 8100, क्या दिक्कत है, देखो तो फटाफट देखो, क्या दिक्कत है, फिर नरेशन लिख दो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हम लोग का कहानी खत्म हो गया, ये हम लोग का कहानी हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो कर लिया, ये तो काम हो गया, लेकिन अभी भी खत्म हुआ है क्या, देखो क्या क्या खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, प्रोविजन भी लाइब्रेटरीज में ट्रांसफर कर ही दिया था, ये खत्म हो गया था, रुको अभी खत्म क्या नहीं हुआ है, ये हो गया इधर में, इधर में ये हो गया, इधर में ये हो गया, अभी भी है ना कैपिटल बचा हुआ है, रिजर्व बचा हुआ, बचा है कि नहीं बचा है, ये सब ही खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करता हम लोग रिजर्व, रिजर्व को क्या करता है, रिजर्व कितना का है तुम्हारा 10,000 का, इसको क्या करेगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देगा। यह नंबर 5 एंट्री, तो यहाँ पे लिखता हम, यहाँ पे क्या लिखेगा हम, नंबर 6 वाला एंट्री, क्या करेगा नंबर 6, दिखाई दे रहा ना सभी को, दिखाई दे रहा ना, क्या होगा तुम्हारा नंबर 6 एंट्री, ठीक है, ऊपर लिख दे, ये सब मिटा दे, क्या कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया हम लोगों को, ये सब क्या करते हैं इसको हटा देता है, ठीक है, इससे हम लोग करने में आसानी होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग का नेक्स्ट है तुम्हारा, इसको भी थोड़ा थोड़ा हटा ही देते हैं, क्या तुम्हारा नंबर 6 वाला एंट्री, इसमें क्या होगा देखो, प्रॉफिट कितना है, रिजर्व, रिजर्व एक प्रॉफिट ही होता है, रिजर्व होता है क्रेडिट, बांटेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट, मतलब पार्टनर्स को दे देगा, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको दे देगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल बी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना कितना 10,000 का रिजर्व था, कुछ नहीं है, मतलब 5 और 5, दिक्कत कोई दिक्कत है नहीं है, एंट्री हम लोग का 6 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन 6 लिख गया, एंट्री नंबर 6 भी क्या हो गया हम लोगों ने कर लिया। अब एंट्री का बात है 7 यहाँ कर देता, ठीक है, एंट्री क्या है तुम्हारा 7, क्या है तुम्हारा 7। अब देखो ये भी खत्म हो गया ना, अब क्या बचा, लॉस, लॉस नहीं बचा था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट साइड वाला, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, इसको भी क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना पड़ेगा, मतलब ये लॉस है या नहीं है, लॉस होता है डेबिट, बांटेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो आप किसको दे देगा, एस कैपिटल एंड टू सॉरी बीस टू नहीं बीस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कितना है प्रॉफिट एंड लॉस 3000 ना, तो 3000 1500 एंड 1500 हो गया, विंग लो पी उल्टा लिख दे क्या, हाँ 15 एंड 15, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है, विंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, विंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड खत्म, मतलब हम लोग अब ये भी एंट्री हो गया और ये भी एंट्री हो गया, मतलब कौन सा पीएलबी हो गया, अब क्या बचा
बैंक बचा और कैपिटल, मतलब तो ये कौन सा पे, अब देखो अब पेमेंट करना पड़ेगा ना, किसको 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 पेमेंट होगा, ए को और बी को, ये दोनों को पेमेंट करना पड़ेगा ना। फाइनल एंट्री क्या है, अब ये दोनों को क्या करेगा हम लोग, पेमेंट करेगा, क्या करेगा पेमेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो फाइनल पेमेंट किसका होने वाला है हम लोगों का, कैपिटल का। तो कैपिटल का पेमेंट होता है तो इजी एंट्री होता है, देखो कैपिटल होता है क्रेडिट, कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस जब पार्टनर्स को पेमेंट करेगा तो देखो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, जब उसको पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा वो डेबिट टू बैंक होगा, ये नहीं होगा ऐसा होगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा ना पार्टनर्स को कितना पेमेंट करना है, निकालना पड़ेगा ना। तो देखो एकदम सिंपल सा है, ये ए, ये कौन है बी, ठीक है, ये का कितना है तुम्हारा, देखो तो ये मेन है लेकिन ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगा, ठीक है। ए का कितना है तुम्हारा 50, बी का कितना है 40 है, ठीक है। अब हम लोगों को खोजना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या खोजना है, क्या ढूंढना हम लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स कैपिटल, पहला में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, दूसरा में है नहीं है, तीसरा में क्या है, चौथा में है, पांचवा में है, क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है ना, पार्टनर्स क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, डेबिट होगा मतलब डेबिट में जाए, देखो डेबिट का मतलब क्या होता है प्लस ना माइनस, डेबिट में होगा तो प्लस ना माइनस, बोलो माइनस माइनस। तो देखो हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले माइनस क्या करेगा, यहाँ पे क्या हुआ था हम लोग का लॉस हुआ था ना, तो लॉस सबसे पहले क्या होगा, लॉस क्या है लॉस माइनस करो, डिवोल्यूशन लॉस हुआ था ना कितना, यहाँ पे माइनस होगा 40। अब देखो लॉस होगा तो इन लोग का कैपिटल कमेगा ही नहीं कमेगा, फायदा होगा तो इन लोग का कैपिटल बढ़ेगा, लॉस इन लोग का कैपिटल घटेगा, तो लॉस कितना 40 50 40 50 माइनस एंड माइनस हो गया डन। फिर नेक्स्ट और खोज, यहाँ पे भी है ना और लॉस क्या है तुम्हारा, ये तो हो गया, फिर ये क्या तुम्हारा लॉस है, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्या होगा तुम्हारा माइनस होगा कितना 15 एंड 15, ये भी माइनस हो गया। और खोज पीएल, देख यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या होगा प्लस, कितना होगा प्लस, रिजर्व क्या है तुम्हारा कितना है तुम्हारा 5 5, कितना है 5 एंड 5, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, इसको कट देना है प्लस माइनस, तो 50,000 माइनस कितना होगा तुम्हारा 4050, फिर माइनस होगा तुम्हारा 1500, फिर होगा तुम्हारा प्लस, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 49, कितना पेमेंट करना पड़ेगा 49450, किसका ए का, ए का पेमेंट कितना 49450। अब बी का निकाल रहे किसका, बी का, ठीक है, तो बी का निकालेगा तो तुम लोग कितना होगा आंसर इसका, कितना होगा तुम्हारा 39450, ये तुम्हारा होगा। इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ए को कितना पेमेंट करना है 49, इसको कितना करना है 39450, पेमेंट करता हम लोग इजी है, पेमेंट करने से क्या होगा तुम्हारा एस कैपिटल, अब लाइबिलिटी खत्म करेगा ना, एस कैपिटल 20 कैपिटल कितना, ए को कितना 49450, बी को 39450, टू क्या होगा बच्चों लोग बैंक 89880, पेमेंट हो गया, देखो पेमेंट हुआ 88, कितना है तुम्हारा बैंक है, वो वन नहीं है, ये बैंक है 88900, मतलब बैंक लाइबिलिटी बैंक पार्टनर्स कैपिटल पेड, पेड हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया ये पूरा का पूरा पेड हो गया, समझ में आया मत, यहाँ में कोई दिक्कत है। अब आंसर चेक करना ना कि सही है ना गलती है, अभी भी एक चीज बचा ना तुम्हारा बैंक, ये बचा ही नहीं बचा है, इसका तो कुछ कहानी करना पड़ेगा। तो देखो देखना जितना तुम्हारा पास पैसा आया ना उतना का उतना तुम पूरा पेमेंट कर दिया, अब देखना कैसे होगा। सबसे पहले बैंक कितना था तुम्हारे पास बैलेंस, कितना था बोल 7000 था, कितना था 7000 था, कितना था 7000, बैंक कितना था तुम्हारा 7000। अब बैंक ढूंढना है, क्या ढूंढना है बैंक, बैंक ढूंढो तो एंट्री में बैंक ढूंढो, सबसे पहले बैंक तो अभी ये तो लास्ट वाला, इसको नहीं देखना, ये तो बाद में देखता है, ये लास्ट वाला एंट्री ये नहीं है, इसको छोड़ दो, आठ नंबर वाला एंट्री छोड़ो और बैंक ढूंढो, यहाँ पे बैंक है, बैंक क्या हो रहा है 106500 प्लस हो रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा प्लस, क्योंकि बैंक डेबिट होने से प्लस, बैंक क्रेडिट होने से माइनस, पता है। फिर यहाँ पे माइनस 24600 और ढूंढ, और कहीं है
और कहीं है कि नहीं है? नहीं है ना। अब देखो प्लस माइनस करो तो ये तुम्हारा माइनस है, ये दोनों क्या है? प्लस है। मतलब 10650 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7000। ठीक है, सेवन कितना? 7000 माइनस 24600। अच्छा 10600 प्लस 7000 माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 24600। तो देखो बैंक में तुम्हारे पास बैलेंस कितना था? 88900। तुम्हारे पास 89, देखो करेक्ट करने का एंट्री, बैंक कितना है तुम्हारे पास? 7000 है। कितना है? 7000। बैंक कौन ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढा तो कितना निकला? 10650। ठीक है, क्रेडिट में कितना मिला? 24600। तो ये सबको प्लस माइनस करेगा तो कितना आंसर आया? 88900 तुम्हारे पास पैसा था। इतना के इतना तुम पूरा पेमेंट किया ही नहीं किया, बैंक या डेबिट हुआ, बैंक या क्रेडिट हुआ, पूरा पूरा पैसा खत्म हुआ ही नहीं हुआ। एक भी बचा नहीं। क्या बचा? जीरो। फाइनल बैलेंस क्या बचा? जीरो। अगर एक रुपये बच जाएगा तो आंसर गलत है, फाइनल कितना बनना चाहिए? जीरो। समझ में है भाई ना? कोई दिक्कत है? इस तरीके से पूरा क्वेश्चन इसमें बनने वाला है, इसमें पूरा क्वेश्चन एक बनेगा। आज का क्लास सभी को समझ में आया है? हाँ, इसको घर पे जाके एक बार नोट डाउन कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट वाला क्लास हम लोग इसको सॉल्व कर लेगा। समझ में आया बात? ठीक है, और एक काम करना है हम लोगों को, पहले वाला सब नोट हो गया सबका, हमको कभी कॉपी दिखाओ फटाफट, हम सबका चेक करेगा, फटाफट निकालो। चलो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करता है।